एवं वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत एक कार चोर को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एक दिन पहले संतोषी वार्ड से एक आल्टो कार की चोरी की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले को पंजीबद्ध करते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपी पाताशाही शुरू की। पड़ताल में पता चला कि चोरी की गई कार उदानापुंज क्षेत्र में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां एक दिवस पूर्व संतोषी वार्ड क्षेत्र से एक ऑटो कार के चोरी होने संबंधी रिपोर्ट थाना बोधघाट में प्राप्त हुई थी। और इस मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में ऑटो कार के चोरी के संबंध में FIR दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। दौरान अनुसंधान की ज्ञात हुआ कि उक्त ऑटो कार जो है चोरी कर जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर धनपुंजी क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से उक्त कार CG17 KL6807 अल्टो कार को जो है देखा गया। और इस मामले में जो संदेही है उसे घेराबंदी कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर अपना नाम उसके द्वारा गोलू उर्फ हितेश सेठिया निवासी हाट कचौरा क्षेत्र का होना बताया गया, और जिसके कब्जे से जो है उक्त अल्टो कार बरामद किया गया। पूछताछ पर इसके द्वारा उक्त कार को जो है संतोषी वार्ड क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपी गोलू सेठिया के कब्जे से अल्टो कार बरामद कर जब्त किया गया है, और जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है। और इस मामले में आरोपी गोलू हितेश सेठिया को थाना बोधघाट के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। TCP 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पंचोरी की रिपोर्ट।